हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचरा के कास्ट आयरन कढ़ाई के बारे में, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च है और पहली बार आप इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे और इसका एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं एक हेल्दी हाइजीनिक नॉनस्टिक कढ़ाई जो कि कास्ट आयरन में आती है। अभी तक अगर आप अनहेल्दी कढ़ाई नॉनस्टिक वाली यूज़ कर रहे थे और आप उसको रिप्लेस करके एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हॉकिंस जैसी कंपनी ने फ्यूचरा रेंज में काफ़ी अच्छी कढ़ाई लॉन्च कर दी है। तो कैसी है यह कढ़ाई, हमें उम्मीद तो बहुत ज्यादा है इस कढ़ाई से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अगर इसको लॉन्च करता है तो उम्मीदें भी उतनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके साइज के बारे में, इसकी अच्छी बातें बुरी बातें साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो कढ़ाई है, ये 5 साल गारंटी के साथ आती है, जो कि गैस इंडक्शन कंपैटिबल है। तो ये इंडक्शन में भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसका फर्स्ट लुक आज हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे आप ढेर सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। 150 रेसिपीज़ जो हैं वो हॉकिंस की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोटिंग नहीं की गई है, 100% नेचुरल नॉनस्टिक है ये, और हम इसको हाई फ्लेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें आपको ढक्कन में ग्लास लिड भी मिलती है, तो जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पैकेजिंग काफी मजबूत है, यहां पे हॉकिंस का टेप लगा रहता है जिससे पता लगता है कि अभी तक इसको ओपन नहीं किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तीन तरफ से टेप इसमें यहां पे देखने को मिल जाता है, तो इसको जरा यहां से ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा पहला लुक इस कढ़ाई का। तो यहाँ पे कॉशंस, रीड बिफोर यू यूज़, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिल जाते हैं विद गारंटी कार्ड, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है। और ऑब्वियस ही बात है इसमें ढेर सारी रेसिपीज़ और प्रिकॉशंस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसको भी रख देते हैं साइड में और निकालते हैं इसका पहला लुक। तो यहाँ पे आपको ढक्कन मिल जाता है जो कि हाई टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला चेंज है साइड में आपको थोड़ा सा सिलिकॉन फिनिशिंग का आपको यहाँ पे लिड मिल जाएगा, लगभग सिमिलर है जैसे आप में विनोद में मिलता था, बट क्वालिटी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इसकी बेहतर लग रही है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ से डोम शेप आपको लिड मिलता है, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे हॉकिंग्स और फ्यूचरा की मार्किंग मिल जाएगी। तो ये सबसे पहला एक कह सकते हैं कि सबसे पहला ट्राई है ये। और ऊपर की तरफ से भी आपको ये जो नॉब मिलेगी, ये भी स्टेक होल नॉब मिल जाती है, जो कि आप बहुत आसानी से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होती है, इसकी वजह से दिया जाता है। इसको अब साइड में रख लेते हैं और आप दिखाते हैं इसकी कढ़ाई आखिर कितनी खास है। तो यहाँ पे ये कढ़ाई का वजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, जिस हिसाब से मैं उठा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे काफ़ी बेहतर लगी। तो चलिए पहला लुक इस कढ़ाई का हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसा लगता है। थोड़ा सा कढ़ाई के हिसाब से कैमरे के एंगल को सेट कर लेते हैं जिससे आपके लिए देखना काफ़ी आसान रहे। तो चलिए सबसे पहला लुक इसका ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक है। एक बार 360 डिग्री इसको मैं दिखा देता हूँ पूरी तरीके से। हैंडल की ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है और बाहर की तरफ है, जिसको आप लिफ्ट करके भी उठा सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये इसका कंप्लीट 360 डिग्री लुक है, जो कि आप ये इस तरीके से देख रहे हैं। और इसके बाद अगर सबसे पहले इसकी कैपेसिटी की बात करी जाए, तो इसको मैं बता देता हूँ कि ये 2 लीटर की कढ़ाई अभी लॉन्च करी है हॉकिंस ने। और 2 लीटर में ये है कि अगर आप 1 से 2 लोगों की फैमिली है तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन के अंदर भी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग इसको OTG में भी यूज़ कर लेते हैं। अब ये कढ़ाई का ये हैंडल जो साइड के दिए हैं, ये काफ़ी अच्छे लुक में आते हैं और यूज़फुल भी रहते हैं। अगर आप इसको कपड़े के सहारे भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग मिल जाती है इसको उठाने में। और उसी के साथ साथ ये काफ़ी अच्छी तरीके से मोल्ड किया गया है। अगर इसकी थिकनेस की बात करता हूँ तो इसकी थिकनेस भी बाकी कंपनी के कंपैरिजन से थोड़ी सी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की गई है। तो एक बार आपको कंप्लीट डिटेल में कढ़ाई दिखा देता हूँ। साइड हैंडल कुछ इस तरीके से ऊपर से देखने में लगते हैं, और अगर नीचे की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये साइड हैंडल देखने में लगते हैं। यहाँ फ्यूचरा कास्ट आयरन लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च है इनका। नीचे की तरफ से यहाँ पे 2 लीटर कढ़ाई फ्यूचरा कास्ट आयरन लिख के देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोड पड़ा रहता है जो हॉकिंग्स के हर एक उसमें मिलता है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 2500 की प्राइसिंग मिलेगी विद लिड। अब जरा इसमें लिड लगा के देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से फिट हो रही है। अगर लिड की बात करी जाए तो लिड बहुत प्रॉपरली इसमें इसको सील कर देती है, जिससे इसके फ्लेवर्स इंटैक्ट रहें और ये हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छी काम करती है। तो देखा जाए तो ये 2 लीटर की कढ़ाई है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी डिसअपॉइंटिंग भी मुझे लगी। तो वीडियो के ये पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ये आपको ग्लास लिड मिलती है, तो ध्यान रखिएगा वारंटी ग्लास लिड में कवर नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि ये कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये तो हम इसको यूज़ करके ही बता पाएंगे। तीसरी बात, इसमें ये चीज़ मेरे को लगी कि ये कंपनी ने 2 लीटर लॉन्च तो कर दी है, बट उन लोगों का क्या जिनको बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत है। तो अभी भी जो मार्केट में इसके कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, लाइक विनोद का ऑप्शन मिलता है, प्रेस्टीज का ऑप्शन मिलता है, मेयर का ऑप्शन मिलता है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से ये काफ़ी अलग सेगमेंट की कढ़ाई है। जो लोग छोटे साइज की अगर आयरन कढ़ाई, कास्ट आयरन कढ़ाई लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन है। जिस प्राइस रेंज में इन्होंने निकाली है, उस प्राइस रेंज में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फिट बैठी हुई दिखी। बट इसमें मेरी अगर पर्सनल रिक्वायरमेंट भी अगर हुई तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे को मिनिमम आयरन की कढ़ाई 3.5 लीटर की अगर होती तो काफ़ी अच्छी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कंपनी 3.5 लीटर ज़रूर लॉन्च करेगी या 3 लीटर के आसपास ज़रूर लॉन्च करेगी। इसमें आपको नीचे की तरफ से ये देखिए, यहाँ पे फ्लैट बेस मिलता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इंडक्शन पे काम करेगा। साइड में आपको फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको प्री सीजन तो किया ही गया है, बट अब हमें अपने वेजिटेबल ऑयल से जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं उससे इसको प्री सीजन करना ही पड़ेगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब वारंटी कार्ड जो भी हॉकिंग्स या फ्यूचरा के वारंटी कार्ड्स आते हैं उनका सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, आप ऑनलाइन वारंटी भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इनका देखिए स्पेशल नंबर लिखा रहता है जो कि हर कढ़ाई में आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये कढ़ाई ज़रूर बताइएगा। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप ये आसानी से परचेज कर सकें। और इससे बड़ी कढ़ाई चाहिए हो तो उसके भी ऑल इंडिया के अच्छे ऑप्शंस मैं आपको इसी वीडियो के नीचे बाय लिंक में दे दूंगा। अब समय आ गया है इसको हम थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, इसका वजन करके देख लेते हैं आखिर कितना वजन इसका आएगा। तो चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे वेइंग मशीन लेकर आ गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसका कितना वजन आएगा वो चलिए चेक करते हैं, विद लिड विदाउट लिड इसका वेट चेक करेंगे। तो सबसे पहले बिना ढक्कन के इसका वजन चेक कर लेते हैं। ये जो कढ़ाई है वो 2 kg 200 ग्राम्स के आसपास की है, और अगर ढक्कन के साथ अगर हम करते हैं तो 2 kg 725 ग्राम्स की ये आ जाती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा 2 किलो के ऊपर का वजन है, जो कि इसमें खाना जलेगा नहीं और कभी ख़राब होगा नहीं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है फ्यूचरा की तरफ से, और इस उम्मीद में कि अब आगे इसका बड़ा साइज़ भी हमें अवेलेबल होगा। तो कैसी लगी ये कढ़ाई ज़रूर बताइएगा, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।